सबसे अच्छा देखो। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं निर्मल कुमार मिश्रा कानपुर से हूँ। बताइए मिश्रा जी। गुरु जी आपके सामने आने में घबराहट हो रही मेरे को, और मेरा सर एकदम। हमारे सामने अभी भगवान आए थे, वो डर रहे थे, खड़े थे नकली वाले। जांग में दर्द हो रहा गुरु जी, मैं 9 साल से परेशान, पूरा परिवार बिखर गया है। बहुत बहुत परेशान। बहुत कष्ट है मिश्रा जी, लाओ तुम्हारे कष्ट हम तुम निकाल लेते हैं, सब वापस निकाल लीजिए सारे कष्ट। ओम अगोरी बारो, ओम शिव, कपाल खोल दीजिए, बारो आ जाओ, मैं कष्टों के अपने सब कष्ट लेके बाहर आ जाओ। ओम शिव। बड़े शरीफ आदमी हो, मेरे शमशान में भेज दिया जाए इसको अंदर, इसको कैंसर भी था, इसको शमशान भेज दिया जाए अंदर, बैलेंस इससे उच्चाटन कर दिया जाए घोरी का। शिव बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिश्रा जी होश में आइए, बंधन कीजिए अपना 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैंसर बना रहे थे मिश्रा जी को, आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, अब बढ़िया है। आप क्यों घबरा रहे हैं, फर्स्ट क्लास चलिए, बैठिए उठिए, एकदम बैठिए उठिए, टन नहीं है आप, कोई कष्ट नहीं, खड़े होइए। जिसको कष्ट थे वो निकाल लिया हमने उनको। अब कैसा लग रहा है मिश्रा जी? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा जी। अब कष्ट तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं सर, कष्ट नहीं है। बहुत कष्ट था जी, बहुत परेशान था वो, बहुत अच्छा, लेकिन ये अघोरी बहुत अच्छा अघोरी था। अच्छा, अच्छी एनर्जी थी सब। इसने 9 साल से मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। कोई बात नहीं, आप सब अच्छे हो जाएंगे, दरबार के नियम पालन करना अच्छे हो जाएंगे। सर एक सेकंड। हाँ। सर मैं 16 साल से मेहंदीपुर सरकार की सेवा करता हूँ, उनका मतलब मंदिर बना रखा था, पूजा करता हूँ, लेकिन सर मेरे को आराम नहीं मिला, 9 साल से मैं परेशान हूँ। इसीलिए समस्या रही। जरा एक मिनट आँखें बंद करो, जरा उनका इलाज कर दें, आँखें बंद करो। इस मेहंदीपुर वाले, इसको प्रेतराज सरकार को पकड़ के लाया जाए, इसको लाया जाए पकड़ के, इसको जो उसने अपने अंश छोड़ दिए इसके अंदर, इस प्रेतराज सरकार को पकड़ के लाया जाए। ओम शिव हनुमान, चार लाते मार के भेजो इसको। खिला दिया जाए इसको, माँ बैलेंस। इसके बचे हुए सर्व शेष की स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार ऐसा, इसके प्राण बाहर खींच लिए जाए इस दैत्य के। शिव सब माँ खिला दिया बैलेंस। इसको पकड़ कर दीवान के भी अंश पकड़ के लाए जाए, खींच के सब। ओम शिव हनुमान, इसे ही भेजो चार लात मार के। शिव इसे सेवकाओं खिला दिया जाए बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए, ओम नमः शिवाय। अब आप मिश्रा जी हैं प्योर वाले, ओम नमः शिवाय। सब आला बाला जी चले गए। सर मैं पूजा वूजा ना करूँ? उठा फेंक देना गंगा जी में सब, प्रेतों को बसा रखा अपने आप को। अब आप हल्के हुए हो, पूरे पूरे हुए हल्के, लादे रहो बालाजी पूरा। बालाजी का पता नहीं जी। ये प्रेतराज सरकार और दीवान जी सरकार और फलानी समाधि और ढिमाकी सरकार लदी पड़ी है जी। अब चलिए फिर ये देखिए, आप पहले कितने सुंदर हो गए, यही लाद के घूमते हो आप लोग, खाम खां का पूजा पाठ करके बना के नाटक, बालाजी सरकार और फलानी सरकार और प्रेतराज सरकार। आप कैसा लग रहा है? बहुत सब अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा दर्द है बस, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं वो दर्द हटा देंगे तो फिर सुन हो जाओगे जी, जी। पैरालाइज हो जाओगे जी, जी। जो हल्का फुल्का बचा 5% इसलिए बचा है दर्द कि, और वो अघोरी तुमको यहाँ लेके आया,
जी जी ठीक जी, कितना अच्छा था। अच्छा, उसकी वजह से तुम जिंदा थे केवल, ये तुमको मार ही देते जान से सब, ये रेत प्रेतरा सरकार लाद के घूम रहे थे सब, खाम खां के लोग नौटंकी बना बना घर में रखे, बालाजी 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 का कोई पता नहीं। अरे सीधे हनुमान जी को नहीं पूछते, बुद्धि में ताले जड़ गए, ताले भूत प्रेत पूज रहे हो बालाजी के नाम पे जी। हनुमान जी इतने कमजोर हो गए कि प्रेतरा सरकार को लेके चल रहे साथ में जी। और एक तरफ कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आ, वही महावीर जब नाम सुना वही, और यहां हनुमान जी के साथ चल रहे प्रेतरा सरकार, प्रेत साथे चल रहे हैं, और हनुमान जी इतने कमजोर हो गए बेचारे निरीह हो गए, उनको प्रेतरा सरकार की आवश्यकता पड़ रही है प्रेत भूत प्रेत जाड़ने के लिए। सही क्या सही कह रहे हैं, राम दूत अतुलित बलधामा जी, हनुमान जी से ज्यादा बलशाली सृष्टि में कोई नहीं, ब्रह्मांड में जी। बलशाली जी। उसको प्रेत की सहायता चाहिए जी। ताले पड़ गए बुद्धि में, साहब 16 साल पहले गया था तो वहां थोड़ा आराम मिला, लेकिन 9 साल ये आराम है साहब, दरबार नहीं आए तो जरूर तुम साल 6 महीने के मेहमान थे जी, निपट जाते मर जाते जी। पूरा सर तो गला दिया था, तड़प रहे थे मछली की तरह तुम अभी जब आए थे। सर ये घुटनों में इंजेक्शन लगवा लगवा के रहता हूँ मैं, वही तो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवा लगवा के रह रहे थे यहाँ तो एक ही दिन में एक क्षण में ठीक, अभी क्या किया, कुछ हुआ तुम्हें, तुमने कोई हवन किए, कोई दरबार आके पूजा पाठ किया, कोई मंत्र पढ़ाया तुमको हमने, तुमको छुआ हमने, अभी आप टन खड़े हो, अभी आप खड़े होने के लायक नहीं थे जी। तड़प रहे थे आप खड़े खड़े जी, जी। हम्म जी। तो अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं दरबार में जी। लेकिन इनको देख के थोड़ा सा वो आ गया, हमने इनको निपटा ही देते हैं जी। इन्होंने क्या कर रखे, अपने अंश हर एक आदमी डाल रखे, जितने भक्त हैं बालाजी के जी। इस प्रेतराज ने अपना एक एक अंश सब में डाल रखा है, सबको तड़पा रखा है, सबको खाए जा रहे हैं, मारे डाल रहे, नोचे डाल रहे, हजारों लाखों खराब खराब जीवन घुसे पड़े इनके साथ में, नोच रहे हैं पूरे परिवारों को, खाए जा रहे हैं, मारे डाल रहे हैं, लेकिन लोग बालाजी जिंदाबाद, बालाजी सरकार की जय, हनुमान जी का पता वता नहीं हुआ, वो बालाजी जिंदाबाद, और करो पूजा गलत सलत। यही हाल दरगाहों मजारों का, यही हाल बालाजी दरबार का, हनुमान जी का पता नहीं, प्रेतरा सरकार पूज रहे हैं। जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ ये कष्ट नहीं होते श्रीमान जी, जी। होंगे कष्ट नहीं होंगे, तो क्या अर्थ निकला इसका कि हनुमान जी नहीं है यहाँ पर, ये हो गया, यहाँ पर शिव और शक्ति है, कष्ट हो सकता है किसी को, नहीं, हो नहीं होता है कष्ट, नहीं होता। क्योंकि शिव और शक्ति प्रमाणित है ये जी। इसलिए किसी को कष्ट नहीं होता, होता है तो खत्म हो जाता आते ही जी। और जहाँ हनुमान जी होंगे आते कष्ट खत्म होता है कि वो बढ़ जाता है, आप जुड़े वहां दरबार से कष्ट घटे कि बढ़ गए, बढ़ गए, मरने करीब आ गए, और पूजा जारी है, तो गलत पूजा हो रही है, गलत एकदम गलत जी। लोग हमको कहते अरे वो तो हनुमान जी को गलत बोल दिया गुरु जी ने, हनुमान जी को नहीं बोल रहा हूं मैं, गधों को गलत बोल रहा हूं, हरामजादों को जो गलत पूजा करा रहे हैं, नालायक खाए जा रहे हैं हिंदू समाज को, मरवा दे रहे हैं जान से, पूरे पूरे परिवार नष्ट कर रखे हैं, हर घर में कलह, हर घर में लड़ाई, हर घर में गंदा गंदा दिखना, हर घर में डिप्रेशन एंजाइटी, एक दूसरे को मार डालें, छीन लो हड़प लो मार दो काट दो जी। ये सब दरबार है, ये सब जो पूज रहे हैं दरबार गंदे संत दरबार, उनकी देन है, दरगाहें मजारे पूज रही हैं, ये बालाजी का गलत दरबार पूज रहा है जी। हनुमान जी के नाम पे गलत पूजा पाठ हो रहा है, इनके कारण लोग मर रहे हैं, लाखों लोग कष्ट में आ रहे हैं, आप प्रमाण हो उसका एक। मैं तो हनुमान जी की पूजा करिए, खूब करिए, घर में श्रद्धा से करिए, लाइए हनुमान जी को रखिए, खूब करिए पूजा सुबह शाम जी, जी। क्या आपत्ति है, लेकिन ये नाटक बना करके भूत प्रेत वाला जी। कि बालाजी का मतलब, बालाजी का नाम आता मतलब भूत प्रेत वाला मामला चालू हो गया जी। कोई भूत प्रेत नहीं होता इस तरह, खा जाए आपको कोई, ये गंदी एनर्जी है, ये है ही पूरी सृष्टि में जगह जगह, ठीक है, और ये इन्वाइट करोगे तो आएंगी, आप पूजा पाठ करोगे जी तो आएगी जी।
हनुमान जी का नाम लेके बैठी हुई जगह बैठी है। हनुमान जी के पता नहीं, हनुमान जी बदनाम हो रहे हैं, बालाजी के नाम पे बदनाम कर रहे हैं हनुमान जी को। जहां हनुमान जी होंगे ये कष्ट होगा नहीं होगा। तो कहाँ है हनुमान जी? हमें तो दिखते नहीं, तो तब करते ही रहे पूजा की, चलो अच्छा होगा कल। उसी कैंसर से है ही उसको, और वो दीवान जो सकड़ा होता जाता, फूलता जाता, फूला रहा था तो गंदगी है ये। आपको हनुमान जी की मूर्ति रखिए घर में, खूब पूजा पाठ करिए, 24 घंटे करिए, गले में लटका लीजिए हनुमान जी को जी। लेकिन इससे बचिए जो बालाजी के नाम पे जो ढोंग चल रहा है, प्रेतरा सरकार की जय। अरे प्रेत की जय बोल रहे हो तुम लोग यार, कैसे आदमी तुम लोग। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ साफ कहते हैं, प्रेत की पूजा करोगे प्रेत के साथ जिंदा भी रहना पड़ेगा, मर जाओगे तब भी उनके बंधन में रहना पड़ेगा। उठा के पढ़ लीजिए गीता जी। तो प्रेत के साथ रहना है? नहीं साहब, हमें तो यहाँ रहना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, नियम पालन करो, दरबार एकदम अच्छे हो जाओ, सब परिवार।